ट्रेन में चढ़ने के लिए कैसे जान की बाजी लगा दी है आंटी, गिर गई ट्रेन के नीचे आने से बची तो पकड़ लिया इसको, और इतनी भीड़ होती है आराम से पकड़ लेना, गिर गई आंटी वहां पे। ट्रेन में बैठने के लिए भाई लड़ मर जाते हैं एक दूसरों से, और धक्का मुक्की के में कोई कहां दब रहा है कोई कहां दब रहा है, और सीट ना मिलने पर बीच में ही सो जाते हैं दारू पी के, फिर ऐसे पानी डाल के उठाना पड़ता है लोगों को। ये उठाया पानी डाल के और साइड में बिठाना पड़ता है, इतनी भीड़ होती है कि खिड़की से ही अपने बच्चों को अंदर लेना पड़ता है ये देखो, और धक्का मुक्की मार के गेट से घुसना पड़ता है। तो आओ वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी ट्रेन जर्नी होने वाली है 15013 रानीखेत एक्सप्रेस में, जो कि राजस्थान के जैसलमेर से चलती है और उत्तराखंड के काठगोदाम जाती है। तो मेल एक्सप्रेस में सफर करने वाला हूँ। इस टाइम पे मैं खड़ा हुआ हूँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, और मैं बोर्डिंग करूंगा दिल्ली रेलवे स्टेशन से, मुझे जाना है काठगोदाम। तो आओ आज हम आपको दिखाते हैं नैनीताल जाने के लिए सबसे बेस्ट ट्रेन कौन सी होने वाली है। तो चलते हैं प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे, जहां से मिलेगी हमें अपनी रानीखेत एक्सप्रेस। आओ दिल्ली जाएंगे हम भी, दिल्ली जाएंगे हम भी, दिल्ली जाएंगे। पकड़ो पकड़ो, अरे चल, अरे आराम से पकड़ लेना, गिर गई वंटी वहां पे। भाई साहब देख लो भाई, अपने बच्चों को जबरदस्ती चढ़वा रहा चलती ट्रेन में, ये देखो भाई, ये देखो क्या ड्रामा हो गया। चलो भैया भाई साहब, भगदड़ होगी भाई साहब, ये देखो भाई हम भी दिल्ली जाएंगे, पूरा माल ताल लेके जाएंगे भैया, हम भी दिल्ली जाएंगे भैया। प्लेटफॉर्म नंबर 11 पे अभी हमारे सामने आई है अपनी रानीखेत एक्सप्रेस, और रानीखेत एक्सप्रेस आते के साथ ही उसमें इतनी भीड़ हो गई है हद से ज्यादा, आदमी ऊपर आदमी नीचे, भाई साहब ऐसा हाल हो गई है। रानीखेत एक्सप्रेस जो है वो एक लिंक एक्सप्रेस है, मुरादाबाद के बाद आधी जो गाड़ी है वो जाती है काठगोदाम, आधी जाती है रामनगर। तो बात करते हैं आज की जर्नी की, तो जर्नी में अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी जर्नी, और सामने अपनी गाड़ी को मिल चुका है सिग्नल ऑरेंज, तो बस टाइम हो चुका है 10:05, बिल्कुल राइट टाइम पर गाड़ी दिल्ली स्टेशन से निकल जाएगी। तो अब चलते हैं अपन अपनी सीट नंबर पर, और आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ RAC वालों की ट्रेन के अंदर क्या हालत होती है। तो आओ पूरे भाई, पूरे 20 मिनट की देरी से रानीखेत एक्सप्रेस का दिल्ली से डिपार्चर हो चुका है, और ऐसा हुआ मैं चला गया थोड़ा आगे, भाई भगते भगते पकड़ी ट्रेन आज, सांस सामने खड़ा हुआ है, और अब हम चल रहे हैं गाजियाबाद की ओर। एक बात और, जैसे हर वीडियो में बताता हूँ, दिल्ली से कभी भी निकलते तो फ़ोन अपना अंदर ही रखना भाई, फोन के साथ साथ आपको भी खींच लेंगे इधर, ठीक है। तो मिलते हैं, हाँ तब तक
देखते हैं आरएसी अपनी सीट का क्या हाल हो रखा है। अब हम चलते हैं अपनी आरएसी सीट पर और देखते हैं भाई अपना पार्टनर कौन होता है आरएसी सीट पर। तो चलते हैं, आओ। भाई आरएसी सीट पर देखो ये हाल होता है कि भाई ये ऐसे सो रहा है पूरा फैल के और मैं ऐसे बैठ के जा रहा हूँ। देख लो आरएसी सीट बहुत बेकार होती है भाई, बंदे को फंसा देती है कि आप पेमेंट पूरी करते हो और आप जाते आधे पे बैठ जाते हो। ये देखो ये ऐसे ही देखो, इस बंदे को मैंने दो बार बोल दिया कि भाई उठिए उधर बैठ जा, लेकिन ये बंदा पूरा ढीठ की तरह लेटा हुआ है। ये आज 4-5 घंटे की जर्नी का जो हमारी ये भाई पार्टनर है तो क्या बोले यार 4 घंटे के लिए, ठीक है मैं बैठ के चला जाऊंगा। चलो भाई भाई है आम आदमी है भाई, आम के साथ आदमी, आम के साथ आदमी, आम आदमी, आम आदमी। यहाँ रास्ते में मत सोए, अभी दो लड़के गिर गए तुझे पता अपनी क्या आ गया कर रहा, 3 महीना 13 में 2 बजे 13 में क्यों भी दे दिल्ली 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 से फिर मैं सो रहा था, एहसान कर रहा सो रहा था दुनिया सोती है, वहाँ जाके गाड़ी आ रही है तो पूरे 20 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद हम आ गए हैं गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर। और गाजियाबाद रेलवे स्टेशन यहाँ का कोड GZB। बात करते हैं इधर की रेलवे स्टेशन की, तो भाई ये रेलवे स्टेशन का नाम तुमने सुना ही होगा, जिला गाजियाबाद। तो यहाँ इस गाड़ी का 2 मिनट का हॉल्ट है और उसके बाद गाड़ी डिपार्चर हो जाएगी। तो आओ चलते हैं अपनी अपन सीट पर। तो फिलहाल पूरे 160 किलोमीटर की जर्नी करने के बाद मैं आ गया हूँ मुरादाबाद रेलवे स्टेशन।
इस स्टेशन का कोड है MB। तो बात करते हैं इस रेलवे स्टेशन की, तो यहाँ आपको 7 प्लेटफॉर्म और 13 ट्रैक देखने को मिल जाएंगे। तो आज मैं आपको बताता हूँ लिंक एक्सप्रेस का क्या मतलब होता है। दो ट्रेन एक जगह से चलती है और दोनों ट्रेन बाद में अलग अलग जगह जाती है, जो दूसरी दोनों अलग अलग जगह जाती है, जो मेन पॉइंट से ट्रेन कटती है, जैसलमेर से चलती है रामनगर और काठगोदाम दोनों के लिए। तो आधी ट्रेन जो होती है वो रामनगर चले जाती है और आधी ट्रेन जो होती है भाई वो चले जाती है काठगोदाम। तो मुरादाबाद पे अभी मैं खड़ा हुआ और मुरादाबाद चाहते के साथ ही यहाँ पे पूरी भगदड़ मच गई है, ये देखो। क्योंकि जो बंदे जर्नल वालों को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जर्नल वाले आगे पीछे दोनों बोगियों में चढ़ जाते हैं, उनको पता नहीं होता कि भाई कौन सी बोगी कहाँ जाएगी। मुरादाबाद पे अनाउंसमेंट होती है कि आपको अगर रामनगर जाना है तो आगे के दो डब्बे रामनगर जाएंगे, और अगर आपको काठगोदाम जाना है तो पीछे के दो डब्बे काठगोदाम जाएंगे। तो वैसे ही यहाँ अभी फिलहाल हमारे साथ भी हुआ, तो मेरी तो रिजर्वेशन टिकट थी, मैं आपको दिखाने के लिए स्पेशल उठा। और अभी बज रहे हैं रात के 1:40 और अब टाइम हो गया है सोने का, तो फिलहाल अब हम सोएंगे। और रात को दिखाने के लिए ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको कुछ दिखाऊं भाई। बिल्कुल राइट टाइम पे 5, तो बिल्कुल राइट टाइम पे 1:48 पे मुरादाबाद से हमारा डिपार्चर हो गया है, और यहाँ से अब ये बन गई है प्रॉपर रानीखेत। इसकी जो लिंक थी कॉर्बेट लिंक वो यहाँ से हटा दी गई है, और वो गाड़ी जाएगी अब सीधा रामनगर और ये जाएगी काठगोदाम। तो आओ देखते हैं डिपार्चर इस गाड़ी का। तो ऐसा लग रहा भाई किसी ने खींच दिया चैन, गाड़ी रुक गई है। मुरादाबाद से हमारा हो चुका है डिपार्चर और अभी बज रहे हैं रात के 2, और अब पूरे रास्ते में कुछ ऐसा दिखाने के लिए है नहीं जो मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि अब रात हो गई है, 2 और सोना भी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम चलते हैं अपने पेज पे RAC वाली पे, वहाँ थोड़ी सी 3 या 4 घंटे की जितनी भी देर की नींद होती है वो लेते हैं, और देखते हैं कि सुबह सुबह हम कितने बजे काठगोदाम पहुँचते हैं। यहाँ से सुबह 5:05 का काठगोदाम पहुँचाने का टाइम है, अगर गाड़ी बिल्कुल राइट टाइम हुई तो। मैं तो सोच रहा हूँ कि 1-1.5 घंटा लेट हो जाए तो मेरी नींद पूरी हो जाए। तो अब मिलते हैं हम तुम्हें सुबह सुबह 5 बजे काठगोदाम। तो आओ, जब तक के लिए मैं तो सो रहा हूँ, तुम वीडियो देखते रहो और मुरादाबाद से डिपार्चर का मज़ा लेते रहो। आओ, यहाँ पे जितने भी गोदाम हैं उन सारे गोदामों को काटना है।
तो भाई सुबह उठने के साथ ही मेरी आंख खुली और सामने पूरे पहाड़ पहाड़ दिखे, तो मुझे लगा कि हम काठगोदाम पहुंच गए। तो हाँ भाई, काठगोदाम हम पहुंच गए हैं। और तो कभी भी किसी को भी नैनीताल घूमने आना हो, उसके लिए सबसे बेस्ट ट्रेन जो है वो रानीखेत है, क्योंकि रात को 10 बजे दिल्ली रेलवे स्टेशन चलती है और सुबह सुबह 5 बजे आपको नैनीताल मतलब काठगोदाम उतार देती है। यहाँ से नैनीताल ओनली 30 किलोमीटर रह जाता है। तो बात करते हैं आज की हमारी टूर की, जो हमारे आज का टूर होने वाला है और आज की जो हमारी पूरी ट्रिप होने वाली है वो होने वाली है नैनीताल पे ही बेस्ट। तो भाई अभी हम निकलेंगे काठगोदाम से, और काठगोदाम से अगर आप कभी काठगोदाम आते हो और नैनीताल की ट्रिप प्लान कर रहे हो, तो आप एक बहुत बढ़िया चीज़ कर सकते हो कि काठगोदाम के ठीक सामने से आप एक स्कूटी आपको मिल जाएगी 500-600 रुपये के बीच में रेंट पे, वो आप हायर कर सकते हो। और उसके बाद पूरा दिन, अगर आप एक दिन का ट्रिप लगाते हो या दो दिन का ट्रिप लगाते हो, तो आप उसको हायर करके पूरा दिन आराम से घूम सकते हो स्कूटी को। एक स्कूटी पे दो बंदे आराम से बैठ जाते हैं। अगर 500 का आपको स्कूटी मिलती है तो पर पर्सन आपको 250 रुपये का, और उसके अंदर 200 का या 300 का तेल, तो पूरा एक बंदे को 500 रुपये बैठता है, पूरा आराम से एक दिन में घूम सकता है। तो आज अगर किसी भाई को इस चीज़ की भी डिटेल चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो अब चलते हैं हम अपनी नैनीताल वाली ट्रिप पे। सुबह सुबह का टाइम है, सर्दी भी लग रही है, गर्म गर्म चाय पीने के बाद हम निकलेंगे यहाँ से नैनीताल। और तो आप देखते हैं, अगर अब तक के लिए भाई वीडियो देखते रहो, और सबसे बड़ी बात वीडियो को शेयर करना मत भूलना। मिलते हैं किसी और नए सफर में, किसी और नए रास्तों पे, नई ट्रेन जर्नी में। जब तक के लिए बाय, मिलते हैं।